पीटीआई के बाद जमियत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने सरबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान को कल तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर नोटिस जारी कर दिया गया। पीटीआई के बाद जमियत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने सरबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान को कल तलब कर लिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर नोटिस जारी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं न्यूज़ 1 के नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रडार पर आ गई है और जमीयत उलमा इस्लाम का इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी केस की समाअत कल मुकर्रर की है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान को नोटिस भी जारी कर दिया है कि वो अपने वकील या खुद वो पेश हों और ये इब्तदाई समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज इन तफसीलात के लिए।